Hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine wherever you are. Please take care of yourself and family because corona is spreading a lot every class I see, and now it is going at an alarming rate. So we have to take care. At the same time, we have to keep on studying, and for that I think online classes are the best option. So please keep learning through online medium. तो चलो आज के बारे में हम बात कर लेते हैं. टुडे आई एम बैक अगेन विद द पीसी एक्टिव टू पीसी. लेकिन आज वाले में क्या है, इंटरोगेटिव. थोड़ा सा और दिमाग को फोकस करने की ज़रूरत है. नेगेटिव में जैसा देखा था हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं था, नोट लगाना था. अगर हेल्पिंग वर्क दो हिस्सों में था तो फर्स्ट पार्ट के बाद में नोट लगाना था. मैंने लाइव एग्जाम्पल करके आपको बताया था. सपोज आप मिस कर गए उस वीडियो को, उस क्लास को, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर. ऑल द वीडियोज, ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर. इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट को खोलो, उसमें सारे में आपको सीरीज में मिल जाएंगे. तो चलो देख लेते हैं, इसको लाइव में करके बता देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. वो का वही मेथड है जो स्पेशल केस होता है इंटरोगेटिव का, जो हम करने जा रहे हैं उसमें हु और हुम का. वो मैं आज नहीं करवा रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल ही सेपरेट क्लास में करवाऊँगा. और उसके साथ वॉट का भी सेपरेट क्लास में करवाऊँगा. मतलब वो तीनों, वॉट, हु, हुम. उसके अलावा जो भी इंटरोगेटिव है, वेदर इट इज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब टाइप और डब्ल्यू एच के साथ में भी है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन वॉट, हु एंड होम, जो मैंने तीन गिनवाए हैं आपको अभी, उनके लिए मैं एक बिल्कुल ही अलग से क्लास लूँगा. तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिक चाहिए, बट रूल वही रहता है. इसीलिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है. इफ़ यू कीप फोकस्ड आई थिंक यू विल लर्न. सो लेट अस सी. Does she fly kites? ये आपको दे दिया मान लो एग्जाम के अंदर. सो पहला काम आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल. दूसरा केस आपको क्या याद रखना है कि इसमें यूज क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इज आ रहे हैं. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही, यूज करना. फिर क्या लोकेट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. तो चलो हम कर लेते हैं. तो टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये. अब ये इधर आना ही है, तो ये काइट्स इधर आ गया. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है. छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं, जो टेंथ प्लस में हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है. जो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए मैं अंदर आर लेता, अगर अफर्मेटिव होता या नेगेटिव होता तो अंदर लेता और उसके बाद में नोट लगाता अगर नेगेटिव होता, वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा. ये बाहर है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी बाहर लेना है. तो बस अब क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसके लिए, आर. तो यही देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट ले रहा है जो नया बनकर आया. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आया, ये जो नया सब्जेक्ट आया वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो ये आर ले रहा है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का है. तो आर, काइट्स. अब क्या बच गया वर्ब को थर्ड फॉर्म, तो फ्लोन. सो आर काइट्स फ्लोन बाई, और ये सी इधर जाएगा वापस. क्या हो गया, हर और क्वेश्चन मार्क. ये दोनों से आपको क्या हिंदी मिलती, क्या से शुरू होने वाला है इंटरोगेटिव. क्या वह पतंग उड़ाती है, पतंगे उड़ाती है प्लूरल में, क्या पतंगे उड़ाई जाती है उसके द्वारा. आ गया समझ में आपको. ये भी आपको पता लग जाएगा तुरंत कि ये प्रेजेंट सिंपल का है. अब वह की वो बात है, आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट सिंपल का मतलब इज आर एम का प्रयोग कहीं ना कहीं होना है ना, उसमें से एक, और थर्ड फॉर्म का होना है. अब फूड को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, पहले सीखने के हिसाब से इधर लेके आ. अब इसके लिए मेरे को क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, इज. सो इज फूड, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कुक्ड बाय यू, दैट्स इट. तो क्या बन गया हिंदी इसकी, क्या तुम खाना पकाते हो और क्या खाना पकाया जाता है तुम्हारे द्वारा. बिल्कुल हिंदी वैसी रहती है जो एंड में होता है, ता है, ती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में आता है. अब मैंने लिया है एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. आर यू राइटिंग ए नोवल, क्या तुम उपन्यास लिख रहे हो. आपको ये पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, फिर वही आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. अब आगे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, तो ए नोवल इधर आ गया सब्जेक्ट बन के. अब अंदर में हेल्पिंग वर्ब की बजाय बाहर आ जाएगा, तो पहला तो क्या आ जाएगा, इज. क्योंकि इसके लिए हमें कौन कौन सा चाहिए, मतलब दो पार्ट में है, इज आर एम और प्लस बींग और उसके बाद में थर्ड फॉर्म. मैंने फिर से लिख दिया,
ये वाला हिस्से में से जो भी होगा बाहर आएगा, और ये वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए नोवल के लिए क्या हो गया, इज बाहर आ गया, अब क्या रह गया अंदर, बींग। सो ये ध्यान रखना, ये टिप्स है। जब सिंगल था हेल्पिंग वर्ब तो वो बाहर आ गया सिंगल वाला। अब जब डबल केस बन रहा है तो डबल केस में पहला जो पार्ट है, अगर आप जैसे भी मानो इसको, वॉट एवर यू थिंक, यू कैन थिंक इन दैट वे कि जो पहला पार्ट है वो बाहर ले लिया और दूसरा वाला जो पार्ट है वो अंदर रह गया, जहाँ था वहीं रह गया, कहने का मतलब ये। और उसके आगे तो फिर ये थर्ड फॉर्म आना ही है, ये आ गया आपका रिटर्न, और उसके बाद में आपको बाई लगाना है, और इसको अगर आप रखना चाहो तो इधर यू का यू आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आना ही है इसमें भी। तो अब क्या बन गया हिंदी, क्या तुम नॉवल लिख रहे हो और क्या नॉवल लिखा जा रहा है तुम्हारे द्वारा, यानी उपन्यास। अब आ जाओ अगले वाले में, अगला कौन सा है, आई होप आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, इट इज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपके दिमाग में आया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि हैज है तो है होता ही है इसके अंदर, पीसी बनाने में भी, लेकिन इसमें जोड़ना क्या पड़ता है, बीन, वो का हुआ है, थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है इसमें, और वैसे भी थर्ड फॉर्म ही रखना होता। अब ये मैंने दोनों साइड में प्रोनाउन लिया इसलिए कि जिससे पता लगे आपको, और अच्छी तरीके से हिम को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ही के लिए इधर लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्या हो जाएगा, हैज। ये ध्यान रखना आप, तो वापस मैं बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ओके। तो ही के लिए क्या आ गया, हैज आ गया। अब क्या बचा, बीन, तो बीन कहाँ पे लिख दूंगा, अंदर में, तो हैज ही बीन। और इनफॉर्म का थर्ड फॉर्म वैसे भी थर्ड फॉर्म ही है, सो हैज ही बीन इनफॉर्म और बाय, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू एंड इंटरोगेटिव साइन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अब दो मैंने डब्ल्यू एच के लिए हैं, तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैं मिटा के ऊपर ही लिख देता हूँ दोनों को, तो आपको और क्लियर दिखाई दे देगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और थोड़ा मुझे भी स्पेस चाहिए आपको समझाने के लिए। तो चलो देखते हैं, पहला वाला मैंने क्या लिखा था, वाई डू यू एब्यूज हर, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख लेता हूँ, वाई डू यू एब्यूज हर। पहली क्रिया क्या करनी है, माइंड से टेंस का पता लगाना है, प्रेजेंट सिंपल है। दूसरी क्रिया क्या पता लगाना है, सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, ये लगाना। तीसरा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज आर एन, हो गया काम आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब वैसा वैसे ही है जैसे इंटरोगेटिव में हम लोगों ने किया, डब्ल्यू एच का कुछ नहीं है, जहाँ पर डब्ल्यू एच है वो वहीं रहेगा, इसको ऐसे छोड़ दो समझो, यहाँ तक चेंज कर लेते हैं। हर को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, सी। सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से इज, इज सी। और एब्यूज्ड का थर्ड फॉर्म कर दिया, एब्यूज्ड, ओके, ये हो गया बाई यू, ये हो गया आपका, और ये डब्ल्यू एच जहाँ पे था वो वहीं रह गया, तो फाइनल आंसर बन के क्या आ गया, वाई इज सी एब्यूज बाई यू। ये इज कहीं गलती से अंदर रख दिया आपने, गलत हो जाएगा, बिकॉज इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए आपको जो नया सब्जेक्ट बन के आ गया इसके पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब रखना, ये ट्रिक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, अगर डब्ल्यू एच जुड़ा हुआ है कोई बात नहीं, आपको डब्ल्यू एच वहीं रखना है, लेकिन वो जो तीन के बारे में मैंने बात की थी, कौन कौन सी, हु, हुम एंड वॉट, उसका थोड़ा अलग सा ट्रिक है, वो अलग से देखेंगे, बाकी डब्ल्यू एच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही रहेगा जहाँ पे रहता है। चलो दूसरा मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो इसको और मैं मिटा के एक बार ऊपर लेके लिख के बता देता हूँ आपको, और आपको आई थिंक बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी लास्ट वन, व्हेन डिड यू बाय दिस कार, इस कार को तुमने कब खरीदा, ये है आपको सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या दिमाग में आएगा आपके, वॉज वर्ब, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करना है, आइडेंटिफाई कर लो ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस कार यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट बन के, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे आप, वॉज, ओके, यहीं से पहले बना लो, वॉज दिस कार, बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बॉट, बाय यू, और वैन जहाँ था वहीं पे छोड़ दिया था, वहीं जोड़ दिया वापस सीखने के लिए, सो वैन वॉज दिस कार बॉट बाय यू, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने, बिल्कुल वही रूल है, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को इधर से उधर एडजस्ट करना पड़ता है, और जो नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यही ट्रिक है। अगर अंदर की साइड में रख दिया, सपोज मैं आंसर ये बना के आ जाता हूँ, वैन दिस कार वॉज बॉट बाई यू, दिखने में सही लग रहा है
बट दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो भी सब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया है, चाहे वो सब्जेक्ट ही था ओरिजिनल, हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए, तभी वो किसकी श्रेणी में आएगा, इंटरोगेटिव के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस क्लास ऑल्सो, सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। नाउ स्पेशल केसेज आर लेफ्ट लाइक वॉट, हु एंड हुम, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड विद दैट विल कंप्लीट एक्टिव पैसिव ऑफ टेंसेज, देन वी विल हैव इंपरेटिव टाइप। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय, हैव ए नाइस।